कुछ चेंज तो समझ में आ रहा होगा मेरी बाइक में। गाइस देख सकते हैं अपन को मिल गया एक छपरी राइडर, जो कि हम लोग को बिल्कुल नमस्ते प्यारे से बड़े भाई को, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और न्यू ब्रांड न्यू वीडियो में। गाइस फाइनली आपको कुछ चेंज तो समझ में आ रहा होगा मेरी बाइक में। देख सकते हैं गाइस मैंने लगाया है डोमिनार का सिर्फ हैंडल होल्डर लगाया है, और लगाया है मैंने MT15 का हैंडल। इससे गाइस हैंडलिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। इसके बारे में बात अपन आगे करेंगे, जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी राइड पे, क्योंकि गाइस आज हो रखा है संडे, कल करते 15 अगस्त की राइड हम लोग कल करते, लेकिन कल इसलिए नहीं कर सकते जो मेरे साइड के राइडर्स हैं वो जॉब करते हैं और उनकी कल छुट्टी नहीं है, तो छुट्टी ले भी नहीं सकते हैं अभी कुछ रीजंस के कारण। तो हम लोग आज राइड कर रहे हैं 14 अगस्त को। घर से मैं निकल चुका हूँ, रोड बहुत ख़राब हो रखी है जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो रखी है। गाड़ी जब गड्ढे में कूदती है ना गाइस, पूरी गाड़ी समझ जाओ बारिश में कितने गड्ढे हो जाते हैं जबलपुर में, बाकी का पता नहीं। और गाइस गाड़ी की जो हैंडलिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है जो आप देख सकते हैं, बहुत ही गजब की हो गई है। मतलब लेने में और मतलब ऑफ रोडिंग करने में, लॉन्ग राइड में बिल्कुल कंफर्ट हो गई है मेरी गाड़ी में। गाड़ी की हैंडलिंग बहुत कंफर्टेबली मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। पहले का अगर पुरानी वाली हैंडलिंग थी उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम जाती थी। चलिए अब बात कर लेते हैं राइड की। गाइस मेरे कुछ फ्रेंड्स प्री मीटिंग पॉइंट है, मीटअप पॉइंट है गाइस, वो है अपना चाय शाय वार नानस भवन। वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जो कि आ चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, चलते हैं सीधे चाय शाय वार पे मिलते हैं, फिर आपसे आगे की बात आगे चल के करते हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं मानस भवन की राइट टाउन स्टेडियम में पहुँच ही गया हूँ, बस थोड़ा सा टर्न लूँगा, राइट टाउन स्टेडियम आ जाएगा, उसके बाद मानस भवन आ जाएगा। और मानस भवन में है अपना चाय शाय वार कैफे है, वहाँ पे अपने कुछ फ्रेंड्स अपना वेट कर रहे हैं, तो अपन सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। गाड़ी लीन करने में गाइस थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि अपना जो टायर है वो थोड़ा सा वॉल्ड आउट हो चुका है। ये देख सकते हैं सामने नमूने, बारिश के समय में भाई बहुत डर लगता है, क्योंकि गाइस बारिश में बहुत ज़्यादा गाड़ी स्किड करती है और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट बारिश के ही सीज़न में होते हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा गाड़ी में थोड़ा सा स्लो ही ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा ही एग्रेसिव राइड नहीं कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है गाड़ी को लेकर, इसलिए थोड़ा। हजार्ड लाइट के चक्कर में ना गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं चाय शाय बार, और ये रहा अपना लाइनअप। ज़्यादा बड़ा लाइनअप नहीं है, क्योंकि गाइस बहुत से राइडर्स नहीं आए बारिश के कारण, और कुछ सम फैमिली मैटर्स रीज़न हो सकता है। ये खड़ी है अपनी कैट, ये खड़ी है पुलकित की NS160, जो कि उसने अभी जस्ट ली है कुछ ही दिनों पहले, 3-4 दिन पहले ही ली है। और भाई निखिल भाई की डोमिनार जो कि दिल्ली से आई हुई है। ये हमारे प्रज्वल साहब की गाड़ी, जो कि अपनी माइलेज टेस्ट और डिलीवरी टेक एंड डिलीवरी जिसकी वीडियो है भाई, वो प्रज्वल साहब की गाड़ी है। ओनर ये खड़े हैं, चाय पी रहे हैं चाय शाय वार की। ये हमारे निखिल साहब बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली भाग जाते हैं बार बार, अभी वापस दिल्ली से आए हैं, तो अपन राइड पर जा रहे हैं, कुछ दो दिन बाद फिर दिल्ली भाग जाएंगे गाड़ी लेके अपनी। चलिए आए हैं तो राइड तो कर ही लेते हैं, चाय पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। गाइस फाइनली हम मानस भवन चाय शाय से निकल चुके हैं, और हम जा रहे हैं 3 पत्ती से होते हुए डुमना। और गाइस अपने जब पूरे भारत में चल रहा है, हर घर में लगाना है अपन को तिरंगा, अपन ने घर में लगा दिया लेकिन अपनी बाइक पर नहीं लगाया है। बाइक के लिए भी अपन को एक नई इस वीडियो में। और गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रसल चौक पे। गाइस बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके कारण गाइस गाड़ी चलाने का मन तो बहुत, क्योंकि एज राइडर राइड संडे आता है तो गाइस राइड करने के लिए मन तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन क्या हुआ बहुत देर लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह पानी गिरा, सुबह नहीं गए, सुबह से शाम को जाएँ दिन में जाएंगे, तो दिन में पानी गिरा, जो कि 3:30-4 बजे पानी बंद हुआ है, जिसमें हम लोग अभी निकले हैं, तो इसमें से हम लोग निकले हैं। तो मेरे साथ आपको उन्हें लाइनअप दिखा दिया है, ये जा रहा है मेरे साथ पुलकित, अपनी से जस्ट अभी ही लिया है इसने NS160। ये भाई साहब बीली मार रहे भाई, और ये आ गया भाई निखिल डोमिनार में, और जस्ट पीछे चल रहा है प्रज्वल अपनी 180F पे।
पुलकित भाई साहब व्हीली मारने की कोशिश में थे लेकिन व्हीली उनसे लगी नहीं पाई। और शाम होते ही रोड में क्राउड बढ़ जाता है। अब हमने पहुंच चुके हैं फोर्थ ब्रिज। अब यहाँ पे करते हैं थोड़ा वूम वूम गाइस, क्योंकि अंडर टनल जब भी आती है तो अपन क्या करते हैं सिंपल सा। ओहो भाई साहब गजब का साउंड भी करती है गाइस अपनी गाड़ी, क्योंकि अपनी गाड़ी पर लगा है एकरा पॉविक का फुल सिस्टम, जो कि रेप्लिका है गाइस, ओरिजिनल नहीं है, आप अदरवाइज मत लीजिएगा। हैंडल गाइस, हैंडलिंग तो गाड़ी की चुम्मेश्वरी हो गई है, बिल्कुल चुम्मेश्वरी। बहुत गजब का राइडिंग एक्सपीरियंस हो गया है, देख सकते हैं बिल्कुल फ्लिकेबल हो गई है गाड़ी, ये जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, फ्लिकेबल हो गई बिल्कुल, मतलब बहुत फन टू राइड इसको बोला जाए। फ्रंट राइड होने के कारण गाइस सिंपल सा जैसे मैं देख सकता हूँ हैंडल की स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो रखी है। ऐसा नहीं है कि गाइस हैंडल चेंज करने के बाद हैंडल की स्टेबिलिटी में कोई ख़राबी आएगी कि या गाइस हैंडल यहाँ वहाँ भागेगा, प्रॉपर वर्क कर रहा है हैंडल। जैसे कि मैं आपको लीन होकर दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी गाड़ी को स्ट्रेच करके देखते हैं। पहुंच चुके हैं फाइनली इस बार महाकौशल स्कूल, महाकौशल कॉलेज के पास, और महाकौशल साइंस कॉलेज रोड में पहुंच चुके हैं। इसके पास ही गाड़ी भी होते हुए डुबने जाने वाले हैं। गाइस देख सकते हैं अपन को मिल गया एक छपरी राइडर, जो कि हम लोग को बिल्कुल, और उसकी गाड़ी भी धुआं फेंक रही है, देख सकते हैं छपरी राइडर निकल भाई को कट मार दिया भाई इसने। छपरी राइडर इन द हाउस गाइस।
छपरी राइडर्स गाइस, देख सकते कितना खतरनाक छपरी राइडर मिले अपन को आज। गाइस ये छपरी राइडर्स तो हार नहीं मान रहे हैं, बल्कि खुद की बेइज्जती हो रही है। अब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, ये लोग लग रहा है मैं लोग से हार गया हूँ एक्चुअली, या तो मैं लोग सीरियस में। हाँ भाई ठीक है, मैं हार गया हूँ भाई, हार गया हूँ, तुम लोग से थोड़ा दूर ही हूँ भाई, हार गया मैं। बेटे बेटे मौज कर दी, वाह मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरू, तुम तो अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। गाइस जुमला में एक नई प्लेस पे हम लोग आए हुए हैं, और आपको कैसी लगी वीडियोस गाइस छपरी राइडर्स की भाई टोटल मैं टोटल नमूने लोग टोटल नमूने अब देख सकते हैं हम। गाइस आप बताइए छपरी राइडर्स वाली वीडियो देख के आपको कैसा लगा? आपने देख के लास्ट वाला जो क्लिप्स वो देख रहे होंगे, हम लोग आ चुके हैं गदेरी वाली रोड पे अंदर जुमला से। गाइस व्यू देखिए बहुत गजब का व्यू रखा है, और जस्ट हमने बाइक अपनी चारों बाइक्स लाइन से पार्क कर दी हैं, और निकल बाइक के ऊपर चिड़िया ने कर दी है पॉटी, तो थोड़ा सा मूड थोड़ा सा सैड हो गया है। ये खड़ी है अपनी कैट, पुलकित ले रहा है फोटो, और गाइस अपनी कैट कैसी लग रही है आप बताइए। सिंगल हैंड हैंडल बार के साथ गाइस लुक जो लुक भी बहुत इनहेंस हो गया है पहले से। गाइस थोड़ी सी सामने से उठ गई है, तो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस जो था इसका वो थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन ठीक है, गाड़ी नीचे गाड़ी सकती नहीं है। और यहाँ पर हम लोग करना है थोड़ी सी फोटोज खींचते हैं, फिर जाएंगे सीधे यहाँ से, जब निकलेंगे आपको बताएंगे, जब अगले फोटो खींच लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा चिल कर लेते हैं, फिर आपको सीधे मिलते हैं। गाइस फाइनली लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और निखिल डोमिनार वाले भाई साहब पुल के आगे निकल चुका है। गाइस बड़ी वॉल्स पुल की वॉल चल रही है जैसा कि देख सकते हैं आप, और मजा बहुत आ रहा है। गाइस ये गांव के लोग हैं तो यहाँ पर रहते हैं गदेरी में, पहुंच चुके हैं डुमना में, एंटी मैगी पॉइंट पे गाड़ी पार्क कर दी है, और लास्ट मेरा एक फ्रेंड कुणाल जो कि आ रहा है मेरे को रोकने के लिए, तो यहाँ पर रुके हुए हैं, ऐसी बात है, फिर लोग कुछ खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। गाइस फाइनली मेरा फ्रेंड जो कि आने वाला था वो आ चुका है, ये आ रहा है, ये मॉन्स्टर एडिशन, ये बिफोर भी आ गई भाई साहब। गाइस फाइनली हम लोग ने कर लिया है पे मैगी नहीं पास्ता खाया गाइस, पास्ता चाय। अब निकल रहे हैं गाइस, थोड़ा सा आगे तक जाएंगे डुमना के लास्ट तक, और मेरे दो राइडर्स फ्रेंड्स थे वो भी आ चुके हैं, जैसे कि देख सकते हैं R15 V4 and V3, थोड़ी सी गाड़ी यहाँ पे स्किट कर रही है, और वही साहब ऑटो इसी।
गाइस फाइनली हम लोग एयरपोर्ट तक जाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ गाइस, आगे रोड का डाइवर्जन देख सकते थे आप कितना ख़राब हो रखा था, इसके कारण लोग आगे नहीं गए। और यहाँ से लोग जा रहे हैं यू टर्न लेके घर। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगा इसके करना है आपको मालूम है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं कॉर न्यू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.